जो स्टॉक में उन स्टॉक में फोकस कर रहा हूँ जिन्होंने मार्केट की गिरावट में रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई है, तो उन उन स्टॉक में पहला स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन को बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे 746 745 के लेवल पे चल रहा है, तो इसको 730 के स्टॉप लॉस से 770 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं आने वाले 5 से 7 दिनों में। ठीक है, तो आने वाले 5 से 7 दिनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर 744 रुपए के आसपास इस समय है सर कैश में। बिल्कुल, इसमें 7:30 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस रहेगा और 770 तक के टारगेट इसमें आने वाले 4 से 5 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा उसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से फिर अगर कंटिन्यू नीचे करता है तो फिर गिरावट बढ़ा भी सकता है। तो इसमें जो भी मैं बाइंग साइड के या सेलिंग साइड के जो भी ट्रेड इस समय ले उनमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये बता दिया सर ने कि एक मौका निकल तो रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें डिसिप्लिन के साथ में। कॉनकॉर के अंदर में स्ट्रेटेजी क्या होगी वो आपको बता दिया। ठीक है दिवाकर सर, एक और कोई स्टॉक आप कुछ कह रहे थे क्या? फिलहाल एक ही स्टॉक है, जैसे मैंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग आए, तो उस अगर क्लोजिंग आती है तब तो बाइंग साइड में और ट्रेड भी लिए जा सकते हैं। अगर क्लोजिंग उसके नीचे आती तो बाइंग साइड के ट्रेड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, इसलिए भी आज फिलहाल एक ही ट्रेड है। ठीक है, तो एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी, नहीं मंथली एक्सपायरी तो नहीं होगी ना, अभी तो एक हफ्ते एक थर्सडे बाकी है अभी तो। जी मंथली जी तो नेक्स्ट वीक है, लेकिन वीकली बराबर, एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी भी आजकल अगर आप पोजिशन देखें, ओपन इंटरेस्ट देखें कॉल साइड पुट साइड, तो पहले उतना मंथली एक्सपायरी में नहीं होता था जितना वीकली एक्सपायरी में होता है, तो काफी बड़ी चाल लास्ट के आधे एक घंटे में आती है वीकली एक्सपायरी में भी, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। और बस यही कहूंगा कि नीचे के लेवल पे शॉर्टिंग को थोड़ा अवॉइड करें, शॉर्ट करना भी तो किसी फुल बैच वगैरह, क्योंकि नीचे के लेवल पर मार्केट ट्रैप कर सकता है। जी। और बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, एक तो वाला आखिरी वाला महीना महीना साल का आखिरी महीना, उसका आखिरी हफ्ता, FIIs का अलग तरीके का तरीका होता है, फैक्टर होता है इस समय, DIIs का, म्यूचुअल फंड्स का, NAV की मैनेजमेंट, और बहुत सारी चीजें, तो उसके चलते और ज्यादा चीजों में परेशानी हो सकती है। कल का जो वोलेटिलिटी, कल जो वोलेटिलिटी बढ़ी है, तो उसके कारण जो प्राइस है निफ्टी में, आप देख रहे हो अगर आप 5 मिनट के कैंडल को खोल के देखते हैं तो, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो आज 5 मिनट की कैंडल भी 100-125 रुपए की बन गई। तो ऐसे ऐसे टाइम पे अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे मार्केट में थोड़ा साइड लाइन है और अपने रेंज का वेट करें, अपने टारगेट्स का वेट करें, उन जगहों पे जहाँ पे आपने डिसाइड किया चार्ट देखे उन्हीं उन्हीं जगहों पे बाइंग या सेलिंग नहीं करें, अननेसेसरीली कहीं पे भी मतलब मार्केट गिरता हुआ देखते हुए नीचे के लेवल पर शॉर्ट मारें। ठीक है, तो अननेसेसरीली शॉर्ट ना करें कहीं से भी, आपका वो ट्रिगर हो सकता है, स्टॉप लॉस कट सकता है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी या है।